हेलो एंड वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास। आई एम विक्की भारद्वाज। आज हम बिहाइव की पोएम द लेक ऑफ आइली ऑफ इनिसफ्री करने जा रहे हैं। दिस पोएम इज रिटन बाय विलियम बटलर इस एंड पोएट जो है वो अपनी शहर की भागदौड़ वाली प्रेजेंट लाइफ से तंग आ गया है और वो अपने चाइल्डहुड प्लेस इनिसफ्री जाना चाहता है और वहाँ जाकर कैसे अपनी लाइफ को बिताना चाहता है। पोएट ने इस पोएम के थ्रू यही बताने की कोशिश की है। एंड इफ़ यू नॉट सब्सक्राइब माई चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिटरेचर सेक्शन, राइटिंग सेक्शन एंड ग्रामर टॉपिक्स की सभी वीडियोस आपको इसी चैनल में मिल जाएंगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। पोएट विलियम बटलर ईस्ट एक आयरिश पोएट, ड्रामाइस्ट एंड प्रोज राइटर थे एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज पोएट ऑफ द 20th सेंचुरी एंड ही गॉट द नोबल प्राइज फॉर द लिटरेचर इन 1923। और ये पोएम द लेक ऑफ आइली ऑफ इनिसफ्री 1890 में पब्लिश हुई थी। ये पोएम हार्ट टचिंग पोएम होने के साथ साथ रियल भी है और ये पोएम 12 लाइंस की है जो 3 स्टैंजास में डिवाइडेड है। आइली मीन्स टापू होता है और इनिसफ्री एक बहुत ही सुंदर टापू है, उसका नाम है। ये पोएम एक लिरिक फॉर्म में है, यानी कि इसे सॉन्ग की तरह गाया भी जा सकता है। लेट्स स्टार्ट द पोएम द लेक आइली ऑफ इनिसफ्री। I will arise and go now and go to Innisfree and a small cabin built there of clay and wattles made. Wattles means bamboo sticks या पेड़ों की टहनियां and clay means mud. Poem में जो poet है वो शहर की भागदौड़ वाली अपनी present life से परेशान है और वो इस जगह को छोड़कर जहां उसने अपना बचपन बिताया है Innisfree आइलैंड में, वहां जाना चाह रहा है। तो पोएट कहता है कि मैं अभी उठूंगा, तैयार होऊंगा और इनिसफ्री चला जाऊंगा। इनिसफ्री जाकर पोएट चाहता है कि वहां जाकर एक स्मॉल कैबिन मीन्स छोटा कमरा या झोपड़ी बनाएगा जो मिट्टी से और वेटल स्टिक से बनी होगी। वेटल स्टिक्स यानी बेम्बू स्टिक से बुनी हुई होगी। 9 बीन रोज विल आई हैव देयर ए हाई फॉर द हनी बी। पोएट आगे कहता है क्योंकि बीन्स उसे बहुत ज्यादा पसंद है तो वो कहता है कि मैं उस कमरे या झोपड़ी के आगे 9 रोज में यानी 9 लाइंस में सेम की फलियां उगाऊंगा और एक हाई फॉर द हनी बी और हनी बीज के लिए एक हाई बनाऊंगा, मधुमक्खियों का छत्ता या घर बनाऊंगा जहां पर हनी बीज रहेंगी। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लैड। ग्लैड मीन्स ओपन स्पेस इन द फॉरेस्ट एंड बी लाउड मीन्स जो हनी बीज की बजिंग साउंड। आगे पोएट कहता है कि वे खुले जगह में मधुमक्खियों की जो है बजिंग साउंड में वे शांति में से अकेले रहना चाहता है, मधुमक्खियों को सुनते हुए वे शांति से अकेले रहना चाहता है। एंड आई शेल हैव सम पीस देयर फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो। अब जो पोएट कहता है कि वो खुले स्पेस में रहेगा या हनी बीज की साउंड सुनेगा तो उसे शांति जरूर मिलेगी और पोएट कहता है कि ये जो शांति है वो धीरे धीरे आती है या धीरे धीरे मिलती है। और कैसे आती है? ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। पोएट कहते हैं कि ये शांति जो है उस व्हील की तरह होती है, उस कर्टेन की तरह होती है जब शाम को क्रिकेट आवाज करता है। क्रिकेट मीन्स झिंगुर, जब ये इंसेक्ट रात भर नॉइस करता है लेकिन जैसे ही सुबह की जो पहली किरण होती है आती है तो ये आवाज करना बंद कर देता है और चारों तरफ शांति फैल जाती है और पोएट जो है वो इसी तरह की जो है शांति चाहता है। देयर मिडनाइट्स ऑल द ग्लिमर एंड द नून ए पर्पल ग्लो। ग्लिमर मीन्स डिम लाइट शाइनिंग। पोएट कहता है कि मिडनाइट आधी रात के समय स्टार्स की जो हल्की हल्की जो रोशनी दिखाई देगी वो शहरों की चकाचौंध वाली रोशनी नहीं होगी। एंड नून ए पर्पल ग्लो। और दोपहर कैसी होगी? दोपहर के समय सूरज की रोशनी पेड़ों में से छन छन कर आती हुई धूप जो है आसपास की जगहों में एक पर्पल चमक से भर रही होगी। एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट स्विंग्स। लिनेट जो है एक बर्ड का नेम है और शाम चारों तरफ ढेर सारी जो लिनेट बर्ड्स हैं अपने पंख को फैलाती उड़ती हुई दिखाई देंगी। पोएट ये सोच रहा है कि वे कितनी सुंदर जगह है इनिसफ्री आइलैंड जहां पर उसका बचपन बीता हुआ है।
आई विल राइज एंड गो नाउ। यहाँ पर पोएट फिर से वही बात दोहराता है कि वे एक दिन उठेगा और इस जगह को छोड़कर इनस्फीर चला जाएगा फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे। पोएट कहता है कि उसके मन में पूरी पूरी रात और दिन की ही बात उसे याद आती रहती है कि वे एक दिन यहाँ से उठेगा और इस जगह को छोड़कर इनस्फीर में रहना शुरू करेगा। पोएट आगे कहता है आई हियर लेक वॉटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर, कि वहां जो एक लेक है, जो झील है, उसका पानी जब किनारों से टकराता है तो उसके टकराने की जो मीठी मीठी जो साउंड प्रोड्यूस जो करता है, उसके साउंड जो है मेरे कानों में हमेशा गूंजती रहती है। व्हाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे और ऑन द पेवमेंट प्रे, पोएट कहता है कि जब भी मैं उस रोड पर खड़ा होता हूँ या पेवमेंट में, पेवमेंट इस फुटपाथ पर चल रहा होता हूँ और वॉक कर रहा होता हूँ, तो लेक के पानी की बहने की जो आवाज है वो मेरे मन में डीपली समाई हुई है, यानी दिल की मैं पूरी गहराई से आती हुई मुझे सुनाई देती है। एक्चुअली पोएट जो चाहता है कि वो ऐसी जगह जाए जहाँ शांति हो, पोएट नेचुरल सराउंडिंग में जीना चाहता है और वो मेंटली पीस चाहता है। और इस पोएम में पोएट ये कहना चाहता है कि हम नेचर का तभी एंजॉय कर सकते हैं जब हमारा जो है पीसफुल माइंड हो, और शहरों में ऐसे शांति जोन मिलना, ऐसा पीस मिलना जो है इम्पॉसिबल है, और ऐसी शांति के लिए पाने के लिए हमें ऐसी जगह जाना चाहिए जो हमारे मन के नजदीक हो। अब मैं आपको बताऊंगी कि पोएम द लेक ऑफ आइले ऑफ इनिसफ्री में किन किन पोएटिक डिवाइसेस का यूज हुआ है। इन लाइन सिक्स द पोएट हैज यूज द फ्रेज वेल ऑफ द मॉर्निंग, यहाँ पर मेटाफोर का यूज हुआ है। मेटाफोर का मतलब होता है जब कोई टू थिंग्स जो है एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, पर फिर भी उनके जो गुण होते हैं, उनके जो ट्रेड्स होते हैं, उन गुणों के आधार पर उनकी आपस में तुलना की जाती है। ऐसे ही पोएट जो है सिक्स लाइन में व्हील्स का कंपेयर जो है क्लाउड के साथ कर रहा है। सेकेंड जो पोएटिक डिवाइस जो यूज हुआ है पोएम में वो है एलिटरेशन। एलिटरेशन मीन्स जब कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स बिगिन विद द सेम कॉन्सोनेंट साउंड, जैसे लाइन थर्ड में हाइव एंड हनी बी में एस साउंड इज रिपीटेड, एंड टेंथ लाइन में वॉटर लेक लैपिंग लो में हेयर एल साउंड इज रिपीटेड। इसी तरह रिपीटेशन पोएटिक डिवाइस का भी यूज हुआ है इस पोएम में। रिपीटेशन डिवाइस का मतलब है जब कोई वर्ड्स, लाइंस या फ्रेजेस का दोबारा फिर से पोएट आइडिया को क्लियर करने के लिए यूज करे या ज्यादा मेमोरेबल बनाने के लिए यूज करता है, उसे हम रिपीटेशन पोएटिक डिवाइस कहते हैं। जैसे पोएम में फर्स्ट लाइन और फिर से नाइन्थ लाइन को रिपीट किया गया है। पोएम द लेक आइले ऑफ इनिसफ्री यहीं पर खत्म होती है। अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे कुछ न्यू टॉपिक्स के साथ फिर से बात होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।